हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आई क्यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साइंस के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चला रहे हैं यहाँ पर हम, जो लास्ट ईयर जब ग्रुप डी का एग्जाम होता सेट नंबर 10 है। जिसने पहले की सीरीज़ नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से अपने यहाँ पर। ये सीरीज़ जो है, ये वाली जो शिफ्ट है, ये 22 सितंबर की 2018 में जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, ये बोला गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग में मौजूद एकमात्र अधातु बताना है आपको। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पहला वाला जो ग्रुप आता है, पहला जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है। तो नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल जो है यहाँ पर बात की गई है पहले ग्रुप में। तो पहले ग्रुप में ही हाइड्रोजन भी आती है। हाइड्रोजन हमारी क्या है, गैस है, और गैस जो होती है सारी की सारी वो कौन सी होती है, वो नॉन मेटल होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तत्व के परमाणु संख्या 20 है तो उसका रासायनिक गुण जो है वो किस तत्व के समान होगा। यानी ये बोला गया है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है किसी संख्या का वो 20 है। अब ये बोला गया कि वो किसकी तरह बिहेव करेगी या फिर किसके ग्रुप में आएगी यहाँ पर, ठीक है। आप सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें दो तरीके की होते हैं, बार बार बता चुका हूँ। ये जो होते हैं आपके ये ग्रुप होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये आपके पीरियड होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि परमाणु संख्या 20 जो है उसके समान तत्व कौन है, ठीक है। तो 20 नंबर पे यहाँ पर कौन होता है आपके, 20 नंबर पे कैल्शियम होता है, ठीक है। इसको समझते हैं जरा, पीरियोडिक टेबल में आपका जो 20 नंबर है यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है। अब ये जो है आपका दूसरा जो ग्रुप है ये पूछ रहा है इसकी तरह कौन सा बिहेव कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये आती है। अब ऑप्शन देखते हैं हम, तो ऑप्शन में क्या है, हमें पता है कि 4 नंबर पे आता है बेरिलियम, तो ऑप्शन तो आंसर ही होता है। अब इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन शुरू होती है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम स्टार्टिंग में 2 आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिथियम और 4 नंबर पर बेरिलियम आता है। तो आपको इससे समझ जाना चाहिए कि 4थे नंबर पर बेरिलियम पड़ रहा है, और हमारा 20वां जो कैल्शियम है वो भी दूसरे ग्रुप में आता है। तो बेरिलियम और ये जो है सेम ग्रुप में आते हैं। अच्छा, अगर पीरियोडिक टेबल में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एल्केलाइन मेटल होते हैं, बेसिक मेटलॉइड, नॉन मेटल, ठीक है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सब चीज़ें भी समझनी होती हैं, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होती है, समझ नहीं आती पीरियोडिक टेबल, तो मुझे कमेंट जरूर करें। मैं पीरियोडिक टेबल पे एक 20 मिनट की 22 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, उससे बाहर फिर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। रेडियो द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि किससे बढ़ती है, ठीक है। जो रेडियो में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड निकलता है, वो किसके थ्रू बढ़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि डायमेंशन जितना बढ़ता चला जाएगा उसका आयाम, तो उसका साउंड भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी वृद्धि किस में होती है, डायमेंशन के इंक्रीज होने से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक एक्टिनाइड है, देखो अभी मैंने आपको समझाया एक्टिनाइड नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अभी मैंने समझाया था पीरियोडिक टेबल में अलग होते हैं, कुछ मेटालॉइड होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ लैंथेनाइड होते हैं, कुछ एक्टिनाइड होते हैं, तो अलग अलग होते सब, ठीक है। तो एक्टिनाइड हमारे कौन से होते हैं, हमारे एक्टिनाइड अभी हमने पढ़े थे। इसमें यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला जो पीरियड होता है, ये वाला 89 से जो स्टार्ट होता है, 89 से लेकर 103 तक, ठीक है, 103 तक, ये सारे हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे एक्टिनाइड होते हैं। अब अगर ग्रुप डी का एग्जाम है और आपको देना है, 25 नंबर की साइंस आती है, तो भाई थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल को तो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर के पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे थोरियम यहाँ पे आता है, थोरियम, ठीक है, और ये सारी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, यूरेनियम, थोरियम, ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो जब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो टर्बियम जो होता है ना, टर्बियम, ये टर्मियम, ये टर्मियम है यहाँ पे, ये जो होता है ये लैंथेनाइड होता है, ठीक है, ये लैंथेनाइड लिखा हुआ है, ये जो ग्रुप है ये लैंथेनाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे टर्बियम देख रहे हो आप, टर्बियम, ये 65 इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है, ये लैंथेनाइड में आता है। ये ऊपर वाला जो होता है पीरियड ये लैंथेनाइड वाला होता है, नीचे वाला एक्टिनाइड होता है, थोरियम वगैरह, यूरेनियम, ये सब चीज़ें जो होते हैं ये एक्टिनाइड में आते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे टर्बियम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 किलोवाट का एक इंजन के द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डन इन 10 सेकंड्स बाय ए 20 किलोवाट इंजन। अब 20 किलोवाट पावर का एक इंजन है, आपको पता है कि वाट जो होता है, ये वाट ये किसकी इकाई होती है, पावर की, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 सेकंड, और पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे, 20। तो यहाँ पे पावर की जगह कितना जाएगा, 20 वॉट है यहाँ पे, और वॉट वर्क हमें पता नहीं है, वर्क डन हमारा, और टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क की वैल्यू किस में आ जाएगी, 200, और हमेशा किस में आती है, जूल में, क्योंकि वर्क की इकाई क्या होती है, जूल, ठीक है। तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा, 200 किलो जूल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। किस कोशिका भित्ति के साथ साथ अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है।
यहाँ पर पूछा गया है नॉन स्पेसिफिक सेल्स जो होती है वो किसमें पाई जाती है, तो आपको पता है कि सबसे जटिल जो होता है जिसके जो अंतर की जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है सेल वॉल का और सेल्स का जो होता है ठीक है वो पैरेन्काइमा का होता है, इसीलिए इसकी जो अवशिष्ट कोशिका के साथ साथ अवशिष्ट भित्ति होती है वही पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें पूछा गया है कि उभयलिंगी पुष्प जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है उभयलिंगी पुष्प कौन सा होता है इसमें से आपका, यहाँ पे मस्टर्ड जो होता है ये उभयलिंगी पुष्प होता है सरसों। आगे चलते हैं, यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है, 480 मीटर की दूरी दे रखी है, डिस्टेंस टाइम दे रखा है, टाइम पूछा गया है इसमें और स्पीड दे रखी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ पे चल रही है और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको 480, टाइम इसका निकालना है, टाइम इधर चला जाएगा तो 480 के नीचे आ जाएगा हमारा कितना 60, जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, 6 से जब काटेंगे तो 8, तो आंसर कितना हो जाएगा ये 8 सेकंड में पूरी दूरी तय कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक चालक प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, यानी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ चार ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वो चार कौन कौन से होते हैं उसको मैं आपको समझा जाता हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे सिर्फ चार ही फैक्टर होते हैं, या तो वो पदार्थ जो मैटर है वो कैसा है वो डिपेंड करता है, या फिर उसकी जो लंबाई है जो उसकी लेंथ है वो यहाँ पर मैटर करती है लंबाई, या फिर जो उसका तापमान टेम्परेचर कितना है वो मैटर करता है यहाँ पे टेम्परेचर ठीक है, या फिर यहाँ पे ये देख रहे हो लंबाई ठीक है, या फिर उसका जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल वो मैटर करता है क्षेत्रफल, तो बस ये चार चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे लंबाई मैटर करती है ठीक है, क्षेत्रफल ये मैटर करता है, मैटर भी मैटर करता है ठीक है, पदार्थ जो होता है, अब बचा कौन सा प्रेशर, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आंसर हमारा प्रेशर हो जाएगा ठीक है, और इसके इन तीनों के साथ साथ इसमें तापमान भी कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन देने के लिए एपिथीलियम, यहाँ पे वर्ड को ध्यान रखेंगे, एपिथीलियम के आंतरिक परत कैसी होती बनी होती है ठीक है, तो अगर एपिथीलियम की यहाँ पे बात करें तो उसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो क्यूबॉइड की तरह होता है ठीक है, क्यूबॉइड की तरह होता है, क्यूबॉइडल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, सीधा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, बस उसके डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा क्या दे रखी है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम इन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, मोमेंटम का जो चेंज होने की रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो हमेशा जो फोर्स अप्लाई होता है ना उसके इक्वल होती है हमेशा, यानी आरोपित बल जो होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है तो वह किस वस्तु के कारण रुक जाती है, मान लीजिए आपने कोई बॉल फेंकी है जमीन पे, कोई बॉल चल रही है, क्या वो चलती रहेगी हमेशा जिंदगी भर, रुकेगी किसी न किसी पॉइंट पे, वो क्यों रुकेगी, मान लो आपने कोई बॉल फेंक दी, पार्क में कोई बॉल फेंकी है और वो चलते चले जा रही है ठीक है, और उसको कोई नहीं रोक रहा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो रुक जाएगी, अब वो जो पॉइंट आता है जहां पे बॉल को रुक जाती है वो किस लिए होता है, क्योंकि वहां जमीन का जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है उसी के कारण होती है कि कोई बाहर से ऑब्जेक्ट का फोर्स नहीं लगाया, किसी ने बॉल पे हाथ नहीं लगाया मगर बॉल अपने आप रुक गई, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कोई वस्तु है, कोई बॉल है वो चल रही है ठीक है, और बाहर से किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई बल नहीं लगाया, फिर भी वो रुक जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग जाता है ठीक है, उस पर घर्षण। अगले क्वेश्चन की तो चलते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हूज मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है, एटॉमिक नंबर होता किसके इक्वल है, यानी प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल है यहाँ पे, तो जब भी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल होते हैं या फिर हमारे जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं तो हमेशा वो आइसोटॉपिक होते हैं ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं यानी समस्थानिक होते हैं, अगर यहाँ पे बोलता वो कि यहाँ पर एटॉमिक मास सेम है, वो बोलता द्रव्यमान संख्या सेम है तो हमेशा वो समभारिक होगा ठीक है। आगे चलते हैं, 50 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु है स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित तो ऊर्जा कितनी होगी, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया न्यूमेरिकल इस टाइप के आते हैं ठीक है, ऊंचाई से रिलेटेड या फिर दूरी से रिलेटेड, दो न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो ऊंचाई से रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल आता है, कुछ भी चीज़ ऊंचाई से हो तो आप हमेशा याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है आपको यहाँ पे, पीई कितना होता है ये एम जी एच ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, मास कितना दे रखा है 50 किलोग्राम ठीक है,
और हमारा ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर, हाइट दे रखी है 6 मीटर, और जी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 9.8 होती है जी की वैल्यू, ठीक है। तो समथिंग अबाउट 10 के आसपास हो जाती है, हम यहाँ पे 9.8 लिख जाते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम 10 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, तो कितना हो जाएगा, जब 50 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 × 9.8, ठीक है। तो जब हम इसको 10 भी मान लेते हैं, अगर आसपास लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारा निकल के आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 300 जूल तक, ठीक है, 3000 जूल जब 300 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है क्वेश्चंस में, मगर मैक्सिमम जब रेलवे में क्वेश्चंस आते हैं तब वो लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पर इसमें ब्रैकेट में वैल्यू दे देंगे, जी की वैल्यू दे रखेंगे 10, ठीक है। जी की वैल्यू वो ऑलरेडी गिवन होती है 10, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, एग्जाम्स में वो 10 देते हैं जबकि 9.8 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस में, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, आंसर की वगैरह देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको दिख जाएगा जी की वैल्यू वो गिवन देते हैं क्वेश्चंस में। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, जब हमारी प्रतिध्वनि होती है, ठीक है, वो किसके कारण सुनाई देती है, जब हम चिल्लाते हैं तो वापस जो आवाज़ आती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो परावर्तन होता है, उसी के द्वारा प्रतिध्वनि कार्य करती है। आगे चलते हैं, आशय में जो रस होता है उसमें जो मौजूद एंजाइम होता है, ठीक है, वो प्रोटीन में अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, वो कौन सा होता है, ठीक है। अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए जो हमारा एंजाइम होता है वो हमारा ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है हमारा अमीनो एसिड में करने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब साइकिल की गति को दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या मतलब कितना चेंज आए, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वो बोल क्या रहा है, वो मास के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, उसने सिर्फ इतना बोला है कि मास तो सेम है, अगर यहाँ पे वी वन है, ठीक है, अगर उसने बोला है कि जो वेग है उसकी जो गति है यहाँ पर अगर वन है, वन का स्क्वायर आप करोगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर वो बोल रहा है ये चीज़ दुगनी हो जाती है, जब दो का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो रह जाएगा हाफ एम, ठीक है, क्योंकि वन होती है, वन का स्क्वायर वन और हाफ एम एम बाई टू हो जाएगा, मगर जब यहाँ करेंगे तो दो का स्क्वायर चार, चार एम बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे दो से दो कट जाएगा यानी टू एम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, एम बाई टू को कंपेयर करेंगे टू एम से, ठीक है, तो दो यहाँ चला जाएगा और इसके बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4m, m से m कट जाएगा, तो जो चीज़ एक थी वो अब कितना हो जाएगा, चार गुना, कैसे बढ़ने से, उसके दुगने होने से ये चार गुना हो जाएगी, तो यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चार गुना इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, ठीक है, एटम्स पूछेंगे ऑक्सीजन के, तो आपको पता है नॉर्मल ऑक्सीजन कितना होता है, वो O2 होता है, ठीक है, तो दो हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए अब यहाँ पे डबल कोवलेंट बैंड जो बॉन्ड जो होते हैं वही होते हैं यहाँ पे, तो दोहरे से संयोजक बंद होते हैं। आगे चलते हैं सिंपल क्वेश्चन था वाला, परमाणु संख्या का 58वां लैंथेनाइड तत्व कौन सा होता है, ये देख रहे हो आप कितने सारे रिपीट हुए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो मैंने अपने पास से बनाए, सारे के सारे जो हैं लास्ट ईयर जब ग्रुप डी का एग्जाम होता 2018 में लास्ट टाइम जब एग्जाम होता वहीं से उठाए, आप आंसर की चेक कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी आंसर की, अदर वेबसाइट पे मिल जाएगी कहीं, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप पीरियोडिक टेबल है कितने, चार चार पांच पांच क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड मेटलॉइड नॉन मेटल्स से, तो 58वें नंबर पे पूछा गया लैंथेनाइड कौन सा होता है 58वें नंबर पे, तो यहाँ पर आप देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये एक्टिनाइड होते हैं, लैंथेनाइड होते हैं, और बाकी यहाँ पर अलग अलग दे रखी है हेलोजन वगैरह, ठीक है। तो 58वें नंबर पे यहाँ पे देख पा रहे हो आप सीरियम होता है, सीरियम, ठीक है, तो 58वें नंबर पे क्या होता है यहाँ पे, सीरियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फेनोफ्थेलिन जो होता है सिरके में डालने से इसका रंग कैसा हो जाता है, सिरका क्या होता है हमारा, सिरका जो होता है, ठीक है, वो हमारा एसिड होता है, एसिड टाइप में होता है, यहाँ पर पूछा गया है विनेगर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है, और फेनोफ्थेलिन जो होता है वो किस कलर का होता है, वो गुलाबी से कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, तो जब उसको जो है हम एसिटिक एसिड में डाल देते हैं तो वो कलरलेस बन जाता है, उसका कोई कलर ही नहीं बचता, रंगहीन हो जाता है यहाँ पे कलरलेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धावन सोडा जो होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रक्रिया करने में कौन सी गैस निकलती है, तो जो धोने वाला सोडा होता है, ठीक है, उसको अगर हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो उसके साथ साथ जब क्रिया होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होती है वो रिलीज होती है। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था इस तरीके के डायग्राम था और पूछा गया था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर जो है आपके कितनी है, सी की वैल्यू कितनी रखी है, 6, सी की वैल्यू 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एच की वैल्यू कितनी रखी है, 6, बस ये पूछा गया था कि ये C6 और H6 जो है ये क्या होता है स्ट्रक्चर, जो इसका मतलब क्या है, बेंजीन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम
जो है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं ये सीरीज। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन काफी बार आता है, CH4 जो होता है ये किस गैस के लिए यूज होता है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट जरूर करेगा, CH4 के बारे में बताएगा जिसको भी पता है, ठीक है। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, तो बेंजीन के लिए यूज होता है, CH4 किसके लिए यूज होता है? तो यहाँ पर ये जो थी हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर ये बताएं कि अगर आपको इंडिविजुअली साइंस के टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो फिर मैं उसके लिए भी काम करूंगा, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, अगर आपको इसकी वीडियोस चाहिए तो मैं इसकी भी अरेंज करूंगा वीडियो और आपके लिए कुछ मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है आपको तो कमेंट जरूर करें, कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।